हेलो। हेलो ठीक। हाँ सर, एक मिनट बस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। विभक्ति का कुछ नियम पढ़ते हैं, ठीक है। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी करना क्या है इसमें, बात को समझते हैं। सपोज करो आपको पता करना है कोई संख्या दो से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, सिंपल पता है कि अगर कोई संख्या इवन नंबर है तो ऑलवेज क्या है, दो से डिवाइड होगा, तो इससे कोई बड़ा चीज तो है नहीं, ठीक है। सेकंड बात करते हैं कोई संख्या चार से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ठीक है। कोई नंबर चार से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो हमको करना क्या है, कोई भी नंबर ले लो, सपोज करो सेवन आखिर जीरो एट जीरो एट ऐसा नंबर लिखा है और आपको पूछ रहा है भाई कि ये बताओ कि ये चार से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो कुछ नहीं करना है, कोई भी संख्या रहे चाहे कितनी बड़ी संख्या रहे, आपको सिर्फ हाँ सिर्फ आखिरी दो डिजिट को चेक करना है कि ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अगर आप 08 को चार से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, दो आ जाएगा, मतलब कि डिवाइड हो जाएगा, तो अगर ये डिवाइड हो गया तो गारंटी है कि ये भी डिवाइड होगा चार से, ठीक है। बात क्लियर, क्या करना है, सिर्फ आखिरी दो अंकों को डिवाइड करके चेक करना है या आखिरी दो संख्या को डिवाइड करके चेक करना है, तो आपका आंसर पता चल जाएगा डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ये बात समझ में आ चुका है तो मुझे जरा जी बताओ 7 8 9 00 क्या ये चार से डिवाइड होगा, हो जाएगा। हो जाएगा, क्या ये चार से डिवाइड होगा, जी ठीक बिल्कुल, ठीक है। आशीष क्या लगता है, डिवाइड हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। है। एक बात याद रखना, किसी भी संख्या के एंड में अगर दो जीरो है तो वो गारंटी है कि ऑलवेज चार से डिवाइड होगा, ठीक है। अगर किसी भी संख्या के एंड में कम से कम अगर दो जीरो है तो गारंटी के साथ आप बोल सकते हो कि वो चार से डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। अगर एक जीरो हो तो एक दो से डिवाइड, जैसे मैं बोलता हूँ ये क्या पॉसिबल है, नहीं। अगर मैं ऐसा लिख दूँ पॉसिबल है, हाँ। डिवाइड अगर मैं ऐसा बोल दूँ ऐसा या हाँ तो नहीं, मतलब क्या है, अगर एक जीरो है, नो अगर एक जीरो है तो उससे पहले क्या होना चाहिए, अगर तो दो, एक उसके जीरो पहले है सम होना चाहिए। उसके पहले सम संख्या होनी चाहिए। वैसे देखो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं इस पॉइंट का, क्योंकि आपको पता है आप 20 आता ही पढ़े, मान लो कुछ भी चाहे जितना बड़ा लिखा हो, ठीक है। ये लिखा है जैसे आपने देखा जीरो से जस्ट पहले क्या है आपका विषम संख्या है, यानी कि ऑड नंबर है, तो ये गारंटी चार से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अगर एक जीरो है एंड में और उससे जस्ट पहले क्या है विषम संख्या है, तो गारंटी है कि वो नहीं डिवाइड होगा, ठीक है। और अगर सम संख्या है तो गारंटी है कि डिवाइड होगा, हो ठीक है। तो गया ये रूल आपको याद रखना है, चार से चार का जी। डिविजिबिलिटी रूल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आठ से, ठीक है। आठ से क्या करना है, लास्ट के तीन डिजिट है ना, लास्ट के तीन डिजिट सपोज करो 7 8 3 4 6 8 लिखा है, ठीक है। तो करना क्या है, आपको लास्ट के तीन डिजिट को डिवाइड चेक करना है क्या ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो आपने क्या लिखा है 468 डिवाइड बाई 8, 8 5 40 होता है, नहीं ठीक है। 6 है आ रहा है, के डिवाइड होगा 8 से, नहीं होगा, ठीक है। 8 8 64 नहीं होता है, 8 8 64 होता है, 4 आएगा, डिवाइड नहीं हुआ ना, तो ये संख्या 8 से हाँ डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। अगर नहीं इसकी जगह 4 होता, ठीक है, अगर इसकी जगह 4 होता तब क्या होता, ये डिवाइड हो जाता, हो जाता ठीक है। तो क्या चेक करना है, जी। सिर्फ आखिरी के तीन डिजिट को चेक करना है, ठीक है। तो आपको जी पता चल जाएगा कि वो 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट है ना, अगर मैं बोलता हूँ 7 6 4 00, ठीक है, क्या ये डिवाइड होगा 8 से, बिल्कुल जी डिवाइड होगा। अगर मैं बोलता हूँ 7 6 5 00, क्या ये डिवाइड होगा, नहीं नहीं होगा। अगर मैं बोलता हूँ 7 6 2 0 200, क्या डिवाइड होगा, ना ना नहीं होगा होगा, नहीं होगा, होगा भाई, देखो जरा, होगा होगा
होगा ना, 8 दूना 16, फिर 8 5 40, 40 बिल्कुल जी होगा। ठीक है, तो क्या समझाया, अगर 2 डिजिट है, अगर 2 जीरो है एंड में, अगर एंड में 2 जीरो है, तो इससे पहले मतलब सॉरी इसके बाद क्या होना चाहिए, एक सम संख्या यानी कि एक इवन नंबर होनी चाहिए। अगर इवन नंबर होगा तो हाँ वो 8 से डिवाइड होगा, ठीक, और अगर ऑड आ गया तो डिवाइड जी नहीं होगा। बात क्लियर है? जैसे मैं बोल देता हूँ भाई 1610 160, ठीक है, 7 ले लेता हूँ, मान लो कि क्या बोल दूँ, तू तो ले लिया, ठीक है, 400 भी ले लिया, 600 लेते हैं, चलो देख लेते हैं, ठीक है, क्या ये डिवाइड हो जाएगा? ठीक जी है, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो ये रूल अपने माइंड में बनाए रहना या फिर कॉपी में लिखे रहना कि अगर 2 जीरो है एंड में और उसके बाद वाला संख्या जो है या नंबर डिजिट जो है क्या हो आपका, अगर इवन नंबर है तो गारंटी वो 8 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं डिवाइड होगा। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, अगर आखिरी में 3 जीरो हो जाए तो ये क्या डिवाइड होगा? डेफिनेटली डिवाइड। बिल्कुल, ऑलवेज, फर्क भी नहीं पड़ता यहाँ पर क्या हो, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, चाहे जो हो, चाहे इवेन हो चाहे ऑड हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर आखिरी में 3 जीरो हैं तो गारंटी के साथ आप बोल सकते हो कि वो 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, जी बात क्लियर? सर ओके, जी, सब होशियार लोगों, बस चीजें याद रखते जाना, सारी चीजें बन जाएंगी। थैंक यू सर। चलो 12 का, चलो ठीक है, 12 का तो देख ही सकते हैं, है ना? देखो 12 का कोई एक एक रूल नहीं है, ठीक है, 12 का कोई ऐसा रूल नहीं बनाया गया जिससे आप क्या है पता कर सको कि ये डिवाइड कि मैं इसको देख के बता दूं कि हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको करना क्या है, ठीक है, 12 को आपको सपोज कर पूछता है कि 12 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो आपको करना क्या है, 12 को पहले तो 2 अस के फैक्टर में, तीन हाँ थोड़ा कंप्लीट तो करने दो, कि 2 इसको फैक्टर में तोड़ना है। सपोज कर मैं ले सकता हूँ 12, क्या ले सकता हूँ, 2 × 6 ले सकता हूँ, ठीक है, 3 × 4 ले सकता हूँ, और कुछ ले सकता हूँ नहीं ना, 1 × 12 भी ले सकते हो, नहीं बाकी और कोई पॉसिबल नहीं है। ये 3 तरीका है, ठीक है, ये जी 3 है, तो ये वाला तो सोचना ही नहीं, ये वाला तो बिल्कुल लेना ही नहीं, ठीक है। हमें ऐसे दो नंबर में तोड़ना है जो कि को प्राइम नंबर हो, ठीक है, जो कि सहभाज संख्या हो। जैसे अगर मैं बोलूँ 2 6 सहभाज है क्या, नहीं है, ये दोनों सहभाज नहीं है ना, ठीक है, ये आपका सहभाज संख्या है, यानी कि को प्राइम नंबर है, ठीक है, ये आपका को प्राइम नंबर है। जी तो अगर जो भी संख्या है, जो भी संख्या 3 से और 4 से डिवाइड होगी, वो गारंटी है कि 12 से भी डिवाइड होगी, ठीक है, जो संख्या 3 से और 4 से डिवाइड होगी वो गारंटी है कि 12 से भी डिवाइड होगी, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करो आपके पास एक नंबर है, ठीक है, सर, हाँ बोलो सर 3 का बोलो, तो नहीं बताया, अच्छा तीन तीन का का नहीं रूल, बताया। अच्छा हाँ 3 का रूल नहीं बताया, वो ठीक है आगे कर लेंगे। जैसे सपोज करो आपके पास एक नंबर है 5472, इसको डिवाइड करना है 12 से, मतलब पूछ रहा है कि 12 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ठीक है, 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। चलो 3 का डिवीजन का रूल मैं यही बता देता हूँ, 3 से डिवीजन का रूल ये बोलता है कि सभी डिजिट या कोई भी नंबर है उसके सभी जितने भी डिजिट हैं उनका सम, उनका जोड़, योग। ठीक है, 3 से डिवाइड होना चाहिए, 3 के पहाड़े में आना चाहिए, ठीक है, चेक कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन सीख जाएंगे, क्या दिक्कत। जैसे 12 से चेक करना है कि डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ठीक है, तो आपको पहले 12 को क्या करना है, 12 को आपने तोड़ा किस में, 4 और 3 में, ठीक है, तो 4 से चेक करने के लिए क्या करना है, 72 को, हाँ 72 को 4 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, ठीक है, 4 × 4 4 8 32, 18 × 72 होता है, तो ये डिवाइड हो जी जाएगा, तो 4 से तो डिवाइड हो गया, तो 4 वाला तो कंफर्म हो गया। 3 से के लिए क्या करना है, 3 के लिए क्या करना है, आपको सबको जोड़ना है, 5 + 4 + 7 + 2, ठीक है, कितना है 7 × 2 5 9, तो कितना जाएगा, 18 18, ठीक है, 18 3 के पहाड़ में आता है, ठीक है, 6 आएगा, हाँ 6 तो 3 से भी डिवाइड हो गया, ठीक है, 4 से भी डिवाइड हो गया, 3 से डिवाइड हो गया, तो गारंटी है कि 12 से भी डिवाइड होगा, ठीक। जी तो ये है आपका 12 के व्यवहार के नियम। देखो 12 चाहे, 12 चाहे कुछ भी हो, सपोज तो आपको लिखा रहता है 24, 12 चाहे पूछा रहता है 24, ठीक है, तो 24 के लिए कैसे बताते कि भाई 24 के लिए हमें कौन कौन सी संख्या देखना पड़ेगा? 3 8 क्या होगा, 3 8 3 और 8, 3 और 8, बिल्कुल, 8 + 24 होता है, ठीक है, 3 × 8 × 3 करेंगे, और ये क्या है, को प्राइम नंबर है, तो आपको
ठीक है, बिल्कुल, जो संख्या 8 से डिवाइड हो जाए और 3 से डिवाइड हो जाए वो गारंटी है कि 24 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, डिवाइड और अगर हम बात करें, और अगर हम बात करें मान लो कि 48, तब ये 3 16 3 4 अच्छा क्या सर तीन और चार, ठीक जी है। देखो अब 48 से आपको क्या चेक करना है, 48 से आपको क्या चाहिए था। जैसे अगर मैं 48 तोड़ूं तो बहुत सारा आ जाएगा भाई, 2 × 24 है, ठीक है, 3 × क्या जाएगा, 3 × 1 = 3, 16 × 3 = 48 होता है, ठीक है, 3 और 16 है, ठीक है, और क्या आ जाएगा, 4 से करें तो 4 और 12 है, 8 6 8 और 6 है, ठीक है, और क्या आ रहा है, नहीं इतना ही आ रहा है ना, इतने ही नंबर। देखो ये आपका को प्राइम नहीं है, जी ये आपका को प्राइम नहीं है, ये आपका को प्राइम नहीं है, यही आपका एक को प्राइम नंबर बन रहा है। ठीक है, अब देखो वैसे तो आपने 16 का कोई डिविजिटिव रूल अभी पढ़ा नहीं है, वैसे मैं बता सकता हूँ, ठीक है, करना क्या है आपको, 16 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ये जो नंबर है, ठीक है, 16 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और 4 से डिवाइड हो जाए तो गारंटी वो 16 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बात जी समझ रहे हो, अगर कोई संख्या है भाई 16 को, तो वैसे आप ये भी देख सकते हो कि कोई आखिरी के अगर 4 अंक हैं, अगर वो डिवाइड होते हैं 16 से तो गारंटी है कि वो 16 से डिवाइड होगा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे इतना बड़ा कौन करने जाएगा, मैं यहाँ पे बोलूँ कि भाई करना क्या है कि कोई संख्या 3 से डिवाइड हो, ठीक है, और 4 से डिवाइड हो, 16 को क्या लिखोगे, 16 को क्या लिखते हैं, 4 × 4 ही तो लिखते हैं, है ना, जी 4 × 4 ही लिखते हैं। तो क्या लगता है, क्या ऐसा हम हर बार बोल सकते हैं क्या, आप नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो, ये अगर स्टूडेंट बोलता हूँ कि भाई 3 और 4 से अगर मैं बोलता, ठीक है, मतलब कि आप ये बोलना चाहते हो जो संख्या 12 से डिवाइड हो जाएगी वो 16 से भी डिवाइड हो जाएगी, क्या ये ट्रू है, चलो नहीं चेक करते हैं, एग्जाम्पल का एक ले लेना, बल्कि एग्जाम्पल भरे पड़े, समझ जाएंगे फिर। जरा मुझे ये बताओ, ठीक है, 1 मिनट बस मुझे बताओ, क्या 5 5 0 4 4 क्या ये 16 से डिवाइड होगा, क्या ये इससे 16 सॉरी सोलह हो जाएगा नहीं होगा सोलह से डिवाइड होगा, नहीं होगा ना, नहीं सर लेकिन नहीं क्या, लेकिन क्या ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब मुझे जी बताओ, मुझे बताओ कि क्या ये 12 से डिवाइड होगा, क्या ये 16 से डिवाइड होगा, क्या ये 48 से डिवाइड होगा, बताओ किसमें किससे वो डिवाइड हो जाएगा, और भी बता दो, क्या ये 3 से 12 डिवाइड से हो होगा, जाएगा ठीक है, क्या ये 4 से, कितने चीजें बताओ कि किससे किससे डिवाइड हो जाएगा, किससे डिवाइड नहीं होगा, क्वेश्चन नहीं समझे क्या ये नंबर है और आपको चेक करना है इन सभी को कौन कौन से डिवाइड हो जाएगा, क्या तीन चार कौन कौन बारह से, से उसके बाद ठीक है, तो देखो 3 से कंफर्म हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 3 और 4 से होगा तो गारंटी है कि जाएगा 12 से भी हो जाएगा, अगर 3 4 से हो रहा है तो गारंटी है 12 जाएगा से भी हो जाएगा, ठीक है। देखो अब बात करते हैं 16 से, 16 का कंडीशन ये बोलता है, देखो गारंटी नहीं कि सारे के सारे 4 से डिवाइड होने की संख्या 16 से भी डिवाइड हो जाएंगी, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते यहाँ पर कि 48 तीन और, तो हो यहाँ पर आप नहीं बोल सकते कि 4 से आपको चेक करना होगा, ठीक है, हमको यहाँ पे 16 से ही चेक करना होगा, ठीक है, और 16 से चेक करने का रूल क्या है कि आखिरी के 4 अंक मतलब कि 50 44, ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे ये 4 अंक आया, जरा 16 से डिवाइड करो, क्या ये डिवाइड होगा, 16 × 3 = 48 होता है, ठीक है, तो 24 आ गया, 16 × 24 16 × 16 हो गया, कितना आएगा, 8 आएगा, 84, 16 × 5 = 80 होता है, डिवाइड होगा, नहीं नहीं डिवाइड हुआ होगा ना, तो जब 16 से मैं 48 डिवाइड नहीं हुआ तो गारंटी के 48 से भी डिवाइड, से नहीं होगा
नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है, अगर इन दोनों में से वो एक से भी डिवाइड नहीं होता है, ठीक है, अगर मान लो कि वो इन दोनों में से किसी भी एक से डिवाइड नहीं होता है, तो वो इससे भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ पे? जी सर। ओके, तो रूल क्लियर है। अच्छा चलो मैं बताता हूँ कि मैंने कैसे बोला 16 को 4 से चेक करना है। ठीक है, देखो याद करो जरा, 2 के लिए आपने क्या देखा था, इकाई अंक, 2 की पावर 2 क्या होता है। ठीक है, 4 से डिविजन के लिए आपने क्या देखा था। ठीक है, दो तो आखिरी के 2 अंक चेक करते हो, 4 से जब डिविजन चेक करते हैं तो आप क्या बोलते हो, आखिरी के 2 अंक। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। तो जब 8 से आपको चेक करना का होता है तो आप आखिरी के 3 डिजिट को चेक करते हो। ठीक है, और ऐसे अगर 2 की पावर 4 कर दूं तो क्या आ जाएगा, 16। तो अगर आपको चेक करना हो कि 16 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो आपको क्या है, आखिरी के 4 डिजिट का जो अंक होगा उसको चेक करना होगा। और इसके आगे ऐसे बढ़ता जाए, 2 की पावर 5 आएगा कितना, 32। तो अगर 32 से चेक करना हो तो पांच, आखिरी पांच। ठीक है, आखिरी के 5। कोई और दूसरा तरीका है क्या, नहीं मिलेगा। ठीक है, 32 क्या है, 32 जी क्या हम ऐसे तोड़ सकते हैं कि कोई ऐसा मिल जाए कोई प्राइम नंबर। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। सर। ठीक है, कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा। जी ठीक है, क्योंकि ये क्या है भाई, ये 2 गुणे 2 गुणे 2 है। ठीक है, तो ढूंढने की कोशिश जी मत करना, नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही है, ज्यादा नहीं आता है, 16 तक आ जाए। ठीक है, बहुत होता है। ठीक, क्लियर यहाँ पे, सारा पॉइंट क्लियर है यहाँ पे। ठीक, जी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर हम 3 से विभाजिता का नियम बताए, तो 3 से हमने बताया ही था क्या है, कि कोई भी नंबर दिया है उनके सभी अंकों को जोड़ना है और चेक करना है। ठीक है, जैसे अगर आपका ये नंबर है तो आपको क्या करना है, 4 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 7। मैं इसे छोटा बता देता हूँ। ठीक है, करना क्या है, जहां भी 9 आए उसको खत्म कर दो, 9 है तो हटा दो। ठीक है, अब जैसे 4 प्लस 4 8 आएगा, 8 7 कितना आएगा, 8 7 15 आएगा। ठीक है, 15 3 से डिवाइड होता है तो गारंटी है कि ये इससे हाँ डिवाइड होगा। ठीक है, सपोज और एक नंबर है इतना बड़ा, 4 6 2 5 9 3 2 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, आप ऐसे अगर सबको जोड़ने जाओगे बहुत लंबा समय जाएगा, आप 9 9 का जोड़ा बनाते जाओ, जैसे 9 तो हट जाएगा। ठीक है, और 3 भी हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 9 का जोड़ा 3 का 0 हटा दो। ठीक है, 3 1 2 1 3 ये भी हटा दो, 6 हटा दो, 4 2 6 हटा दो, क्या बचा, 5 बचा। तो गारंटी की डिवाइड नहीं होगा, 3 से सिर्फ 5 बचा ना, नहीं होगा। तो ये 5 आएगा, तो 5 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये संख्या कभी भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, तो आपको क्या है, सबको जोड़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको जोड़ा बनाना है और जोड़े बनाकर हटा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। ठीक, जी अब अगर 6 से चेक करना हो तो 6 देखो, 6 का कोई रूल नहीं है, 6 को क्या तोड़ना है, को प्राइम नंबर में, तो 3 गुणे 2 होता है। ठीक है, जी मतलब जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाए और जो संख्या 3 से डिवाइड हो जाए, वो गारंटी है कि आपका 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, क्लियर। जी ठीक, 9 के लिए भी क्या है, कैसा है, 3 जैसा, 3 से ही है ना, 3 जैसा ही है। क्या करना है, सभी अंकों को जोड़ना है, सभी अंकों को जोड़ना है, और एडिशन नौ 9 डिवाइड। और 9 से डिवाइड करके चेक करना है। ठीक, और उसको 9 उसको डिवाइड करके चेक जी करना है। ठीक है, ठीक है, अब 11 से 11 वाला थोड़ा सा रूल क्या है, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी चीजों को याद रखने के लिए। कैसे याद करेंगे, ठीक है, अल्टरनेट। पहले तो मैं इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, तो ज्यादा से समझ आएगा, नहीं तो क्लियर नहीं होता। ठीक है, स्टेटमेंट से क्या ही क्लियर हो जाएगा, मैं सीधे इसको बताता हूँ कैसे करेंगे। ठीक है, सपोज एक नंबर है आपके सामने, 4 9 7 3 6 5। ठीक है, ये नंबर है, आपको चेक करना है कि ये 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो मैं जैसा बना रहा हूँ वैसे करना एग्जाम में। ठीक है, जब जब भी मिलेगा अल्टरनेट नंबर को ऐसे ऐसे लिख नो, लेना, ऐसे ऐसे जोड़ देना, ऐसे ऐसे। ठीक है, कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो 5 3 और 9 क्या आ जाएगा, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 9 17। कितना आएगा, 17 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, जो बच गया इनको जोड़ दोगे कितना आएगा, 7 6 13, 13 4 17। ठीक है, अब इन दोनों को घटाना है, क्या आएगा, 0। जीरो ठीक है, तो ऐसा करने जी। पर घटाने के बाद या तो 0 आ जाए या फिर 11 का गुणा जा जाए। ठीक है, सुन रहे हो क्या बोला, या तो 0 आ जाए या तो 11 का गुणा जा जाए, गुणा का मतलब मल्टीपल। ठीक है,
तो ऐसा कभी होता है तो गारंटी है कि वो 11 से डिवाइड होगा ही होगा। ठीक, बात क्लियर? ठीक है, सपोज फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं। सपोज करो ये क्वेश्चन है 4971। ठीक है, सपोज करो आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है और पूछ रहा है कि डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो क्या करना है आपको? पहले ऐसे करना है और ऐसे करना है। ठीक है, बस ध्यान रख, बीच में बस एक ही अंक छोड़ना होगा होगा चाहिए। होगा 7 8, 8 4 12। ठीक जी। है, यहाँ पे क्या क्या 12 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर 9 3 12, 12 माइनस 12 0 आ रहा है। ठीक है, देखो जरूरी नहीं हर बार 0 ही आए, कभी 11 भी आएगा, कई बार 21 भी, 22 भी आएगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गया कैसे पता करना है? ठीक है, तो जरा एक आप लोग चेक कर दो, 497387। होगा 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 होगा, ठीक है, जरा एक और चेक करो, क्या ये होगा? नहीं होगा, होगा नहीं होगा, नहीं नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं नहीं होगा होगा ना भाई? इसको जोड़ोगे तो 9 9 18 4 22 जी। आ जाएगा, और इसको अगर करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 22 माइनस 1 क्या आएगा? 21 आएगा, और 21 11 से डिवाइड होता नहीं है, है ना? तो ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक, ओके, किस से होता क्लियर है यहाँ जी। पे, है ना? तो यहाँ पे आपका ये पूरा पॉइंट खत्म होता है, तो आज की क्लास भी यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, तो सारा जितने भी डिजिबिलिटी रूल है आपको एक बार पढ़ लेना है, रिवाइज कर लेना है। ठीक, और फिर उसके बाद हम आगे, इसके आगे कुछ और भी है ना? ये तो अभी हम बस इतना ही देखा, फिर आगे हमको प्राइम नंबर से भी देखना है। ठीक है, कि कितने प्राइम नंबर हैं, जो भी प्राइम नंबर है वो सभी कैसे उनको चेक कर सकते हैं, वो डिवाइड होगा कि नहीं होगा। खास तौर से भी हमारा बचा है 7 13, ठीक है, 17 19, इन सभी का खास तौर पर देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कल जी आगे नेक्स्ट क्लास जी में करेंगे। ठीक, बाकी अगर किसी को भी आज की क्लास में कोई डाउट हो तो पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में, और क्या कहते हैं, बाकी इस समय वीडियो क्या है यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो जी फिर इसकी ओके क्लास खत्म किया जाए। जी। चलो ठीक है, फिर सभी को गुड नाइट।